ये खड़ी है टीवीएस की अपाचे 164V। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे, कितने दिनों से इस बाइक की कोई वीडियो नहीं आ रही है, शायद ये बाइक अब अच्छी चल रही है। हाँ भाई, बहुत अच्छी चल रही थी, अभी तक बहुत बढ़िया चल रही थी। इस बाइक को एक साल हो गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक साल पुरानी बाइक है ये हमारी। और भाई अब इस बाइक में मैं जा रहा था KMP से, ठीक है, आज मौसम बड़ा हसीन है, मैंने कहा चलो आज बाइक निकलता हूँ। तो भाई बाइक से निकला, सबसे पहले तो भाई इसकी चैन ने आवाज़ करनी शुरू करी। मैं घर से लगभग अभी कोई 10-15 किलोमीटर ही चला हूँ, सबसे पहले तो इस बाइक की आवाज़ ने, चैन ने आवाज़ करनी स्टार्ट कर दी, खन गड़ 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 गड़। जट ये थोड़ी सी चलने के बाद में इसकी चैन जो है वो चैन उतर गई इसकी। चैन उतरने के बाद में भाई मैंने जैसे तैसे करके इसकी चैन में चढ़ाई, अपने हाथ कारे पीरे कर लिए, ठीक है कोई बात ना। बाद थोड़ी सी आगे चलो, कोई 2 किलोमीटर ही चलाऊँगा, और बाद में जट ये चैन उतर गई। अब ये देखो चैन उतरी क्या, अब मैंने इसको चढ़ा लिया, फिर से इसको चढ़ाया यहाँ से, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो KMP पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, भाई बहुत रिस्की है यहाँ पे, गाड़ी घोड़ा ट्रक सब चलते रहे, पर यहाँ देखो ये चैन उतर गई, मैंने चढ़ा ली जैसे तैसे करके, अब यहाँ देखो ऐसे गिर गई भाई। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अब मैं करूँ तो मैं करूँ क्या इसका, क्योंकि यहाँ KMP पे भाई आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ना यहाँ पे कोई मैकेनिक है, ना कोई यहाँ पे कुछ, मतलब मैकेनिक की ज़रूरत है हमको, तो मैकेनिक तो है ही नहीं यहाँ पे, ना कोई पानी पीने का, ना खाने पीने का, कोई जुगाड़ पानी नहीं है इधर। अगर आपके यहाँ पे कुछ ख़राब हुआ तो ख़राब हो गया, अब जैसे ये बाइक है मेरी, ये ख़राब हो गई है, अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई मैकेनिक ना है, अब यहाँ पर खड़े रहो। अब मेरा घर यहाँ से 10-15 किलोमीटर ही है, तो मैंने क्या किया है, अपने भाई को फ़ोन किया है, भाई आ जा और इस बाइक को लेके चल। अब वो आ रहा है, अब देखो भाई किससे आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब भाई अरुण चलेगा कहीं वीडियो बनाने के नहीं आ, और दिनेश है, और दिनेश अब कोई कुछ ना मिल रहा सवारी में, कह रहा मैं इनकी गाड़ी ले आई हूँ एंडेवर, या किया मैं यूँ, अब आएगी ना पीछे एंडेवर में, वहाँ में भी ना आएगी, भैया भारी इतनी है हमें, कोई कम से कम 500 किलो वजन या मोटरसाइकिल में। अब मैंने की ऐसा कर तो स्कूटियाँ लिया, स्कूटी है पापा लेके चले गए कहीं। अब भैया रे दिनेश नो कह रहा हो बाकी खटारा खटाव कतई बाकी मोटरसाइकिल, मैंने भैया कच तो लेका गेजर तो लेका मुँह हाथ घंटा है को कम से कम खड़े खड़े, कोई मुझे इस दुविधा से तो निकालो, और हवा भी नो कह रही है आज ही सवरी चलूंगी कतई। देखो भाई दिनेश आ गया, क्या हो गया इसमें भैया, ये ट्रेन लाइन को काम चल रहा है या मोटरसाइकिल वहीं पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कचरा अब यार कहा करू यू, कहा है तो समझ आ रही है, देखियो कहा है को यू है। हाँ लो भैया दिनेश मैकेनिक अब इसको देख रहा है कि क्या करना चाहिए, इसमें क्या हो सकता है, कहा पर यू तो लटक ही गई, चैन कह रहा चैन लटक गई ऐसे नो कह रहा हूँ मैं, तो अभी वो आगे पीछे कभी कैसे ना चल रही ऐसे तो चलेगी, कहा इंजन ते ना चल रही, वैसे खिंच जाएगी न्यूट्रल में ना चल रही, ऐसे कुछ ना चल रही, ले चाबी ले ले भैया तू, मैं तो अभी यार OLX पे डाल रहा हूँ कि फोटो वोटो खींच के भाई, और मैं इस बाइक को बेचना चाहता हूँ, अब मैं इस बाइक से झिक गया हूँ, ठीक है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है इस बाइक को खरीदने में, अपाचे 164V 2022 मार्च में ये मैंने ली थी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरी मेल आईडी पे कर सकते हो akashpawarex@gmail.com पे ज़रूर मुझे संपर्क करें। हाँ भैया देखियो यू कहा लटक गई पूरी, इतनी लग भैया ये सही करके ही माने को, वैसे ना लेकर जाए, मैं नो कह रहा हूँ कि वैसे ही ले चल पर आकर तो सही करना ही है, है? अच्छा चेन खोल देखो फिर घर कैसे ले चलेगा भैया, दाबड़ू ना सोने जाएगी वो। सोने वाले किस पे करवाई, टीवीएस एजेंसी में ही, वैसे ही काई पे भी करवा लेंगे, चैन ही चढ़वानी है वैसे, बाजार है गो बाजार तो चल फिर,
तू यहीं पे ले ले ऐसे वापस यहीं कर ले ले। अरे वहां में बांध स्कूटी में, कोई ना दिक्कत आ रही है, थोड़ो सो ही तो चलनो है, थोड़ो सो ही चलनो है। यहाँ से तो अभी कोई 20-25 किलोमीटर है, ज्यादा आगे है कहा कुछ ना है, पूरा केएमपी है, चला जा तो देखियो भैया दिनेश को जुगाड़। देखो जी अब यहाँ खिंच तो जाएगी ना यू है, खिंचो इंडिकेटर दबाने की जरूरत पड़ेगी का, थोड़ी सी टाइट करो, टाइट करो, नहीं है टाइट। अब हमको रोंग चलना पड़ेगा क्योंकि केएमपी पे कट नहीं है भाई। अब दिनेश यहाँ पे बैठा को पाचे में मैं यहाँ पे बैठूंगा, चलाने का नहीं है। आइयो मेरे पे नहीं चल रही वो, मैं तो आप इस पे आ गया, रुक जाइयो आराम से, पहले वो बैठ डाल दे। अच्छा गिर जाएगी, मैं फोन चल रू एक बार रुक भाई, अब चला के लाके हमें कट मिल गो यूरो, यहाँ है यूरो छोटा सा कट, अब यहीं का इसको उतार लेंगे हम उस साइड में, क्योंकि भाई बहुत अनसेफ हो रहा है, तेजी में ट्रैक्टर वैक्टर चल रहे हैं, हाँ भाई ट्रक व्रक चल रहे हैं, कभी का पता चले कि दो नहीं रह जा। तू यार धक्का मार, मैं लेकर हूँ धक्का दे के भाई। यार वो पाचे तो बेकार है यार, है भाई देखो हमने जब से गाड़ी ली है 25 अगस्त को, और मैंने भी अपनी टीवी साहब तब नहीं चलाई, अब बताओ क्या, वो भी नहीं घटी है। देख ले भाई तेरी वाली बढ़िया है, टू वी वाली बढ़िया है, सफेद वाली यू कारी वाली बढ़िया ना है भाई, टू वी अच्छी है। अगर आप अपाचे अपाचे लो ना, टू वी ले लो, ये फोर वी रहने दो यार। ये देखो भाई ऐसे चल रही है ये अपाचे, ऐसे इसको खींच के लेके चलना पड़ रहा है दिनेश सब पायलट, आराम आराम से, आराम आराम से, और आंधी तूफान एकदम इतनी भयंकर आंधी चल रही है, कहते धूल ही धूल, आराम से आराम से। भैया हम ज्यादा चलना रही हूँ, खामा खाई की और रिस्की है, अब हम ताबड़ू वारे पे उतर के हमने के भैया खोल के यही है सामने दुकान है यहाँ पे मैकेनिक की, और ये ट्रक रखन दे भाई बहुत रिस्की हो रहा है, अब हमने की यहाँ वैसे ही धक्का दे के ले चलेंगे यहाँ से वहां तक, नहीं तो और खामा खाई देखियो कितना बिजी रोड, पूरा ट्रक ही ट्रक, पूरे ट्रक ही ट्रक है पूरे। तू मेरी मोटरसाइकिल बिचवा देखो, देखो भैया कौन कौन कोई खरीदे ना, कितने की चली जाएगी यू भैया, 2000 21,000 किलोमीटर, 21,000 किलोमीटर तो अगस्त के आगे देख रहे हैं, जो शोरूम में गाड़ी ना बेचते हैं वो फोटो भेजते हैं, जो वो भेजनी पड़ेगी आपको, किसके पास, कोई भी तेरे पास नहीं, जैसे कोई जैसे गाड़ी ना बेचते हैं मोटर बाइक बेचते हैं वो भेजते हैं इनके पास। भाई मैंने ये बाइक 1.5 लाख की ली थी, ऑनेस्टली बताऊं आपको, 1.45 की मेरे को ये बाइक पड़ी थी, अब ये 21,000 किलोमीटर चली है, मार्च में ली ना, मार्च 2022 में ली, और मार्च ही चल रहा हो अभी तो, शुरू ही हो, 2 साल भी पूरे ना हुए हैं, अब भाई देख लियो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो, मार्च तो चल गई अब, हाँ तो मार्च में तो लास्ट में जाके ली ना, अभी तो मार्च शुरू हुए है, हाँ तो 21,000 चली है बस टोटली, हाँ गाड़ी ना है ये, हाँ वो सही है। अच्छा ये वाली घिस गई, चेंज ये है गिराड़ी, अच्छा जब ही उतर जा रही है, अब ये देख रहा है भाई कि इसके पास में नई है या नहीं है, आप क्या करेंगे इसके बाद नई हुई तो, ये होते सही फिर कभी चेंज नहीं उतरेगी, ठीक है भाई ओके थैंक यू, तब तो पूरा खर्चा मांग लेता वो टीवीएस वाले, लेने गएगा पूरा चेंज सेट बदल लेगा, ये बदल गया ओ कौन पूछ रहा है, ये दुनिया करा रही है अपनी गाड़ी ने, गाड़ी घोड़ा ऐसा तो होता रहे है ना, हम बैठो लो भाई नई गिराड़ी लग गई, आप सही हो गई, टूट गया आप सही हो गई, ये तो अब अब तो चार बज गया, अब तो नहीं अब धूल हो गया बहुत, पूरा धूल धूल हो गया है पूरा मुंह पे, नहीं अब नहीं पानी दिला दूंगा मुंह धो, नहीं नहीं अब नहीं, एक ये हालत देखो कैसी, पूरे धूल ही धूल में एकदम ऐसी है, ये कती बुरी हालत, तेल बिना हम तो अपने गाड़ी में तेल भरवा के लाए, यहाँ की टंकी 400 रुपए में खोले जाए, यहाँ की टंकी 1200 रुपए में खोलो, वे खोले अभी ऐसे करे बेचो नहीं, पोपलेन खड़ी है भैया देख ले सामने, तो यहाँ कहा करे को याद आवे को हो उन्होंने खत्ते जो मन मन ला रहा है ताक दे दे, हाँ जी एक बार तो और उन्हें से कह रहो जब मोटरसाइकिल गड्ढो खोद के दाब दो, खराब है तीरे खराब है तीरे, चले भाई
चल सीधा पलवल। अब भैया यहाँ मैं गिरा रही गिरी 200 रुपए की मात्र कराया। मेहर के पकड़ उतर जाएगी मोटरसाइकिल कहाँ? मेहर के पकड़। हाँ मेहर के कर उतर जाए साइड में। मैं तो यहाँ कराया बड़ी लगी कर तेल गिरवाने के मारे ना। मेहर के कर उतार लियो आराम से उतर जा प्यार से ठीक है।